नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने का काम तेज कर दिया है। इसी कड़ी में आज यानी कि 11 सितंबर से शुरू होकर 13 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमी इंडिया 2024 की शुरुआत हो गई है। आपको हम बता दें कि सेमिकॉन के साथ ही इलेक्ट्रॉनिका इंडिया 2024 और प्रोडक्टॉनिका इंडिया 2024 का भी आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में हुआ। सीएम योगी ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि इस प्रतिष्ठित इवेंट के लिए उत्तर प्रदेश का चयन करने और इंडस्ट्री को नई गति देने के लिए पीएम के विजन के लिए आभार। सन 2020 में सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड के कारण सब प्रभावित रहा। कोविड के साथ वैश्विक तनाव के कारण सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी प्रभावित रही। पीएम मोदी के विजन के कारण कोविड के प्रबंधन और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के नोटिफिकेशन को आगे बढ़ाने में कामयाब रहा। उत्तर प्रदेश ने भी इस दिशा में सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डाटा सेंटर के क्षेत्र में कार्य किया। पिछले वर्षों के जो कार्य प्रयास हुए उसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश ने मोबाइल सेक्टर में अच्छा कार्य किया है, सेमीकंडक्टर नीति लाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का नोएडा ग्रेटर नोएडा इंजीनियर्स हब के रूप में स्थापित हो रहा है। आपको हम बता दें कि सेमीकॉन इंडिया 2024 में कुल 17 देशों के 255 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। ये कार्यक्रम आज 11 से 13 सितंबर तक रोजाना 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चलेगा, जिसमें दुनिया भर के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स और स्टॉल लगाए जाएंगे। इस दौरान यहां भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर एक प्रस्तुतिकरण भी किया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।